और कैंसर ने बढ़ाई चिंता। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पता चले तो इलाज संभव है, और अगर समय पर पता न चले तो इलाज मुश्किल। ये तो इस बीमारी की एक समस्या है। दूसरी समस्या की बातचीत करें जो इससे बड़ी है, वो कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कैंसर के मरीजों की बढ़ती जा रही संख्या, कैंसर से मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। IHME के अध्ययन से मिले चौंकाने वाले आंकड़े, आंकड़ों से बढ़ी बिहार की चिंता। कैंसर को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो है कैंसर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या। कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में हर साल मिलने वाले कैंसर मरीजों में 10% बिहार के मरीज होते हैं। हालांकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर सही समय पर इसकी पहचान हो तो इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। अब जरा कैंसर होने के कुछ कारण भी जान लीजिए। महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर विश्वजीत सान्याल के अनुसार सांस फूलना, छाती में दर्द, खांसी में खून आना, यह कुछ प्रमुख लक्षण हैं। आपने बोला जो आकर बढ़ रहा है, उसका कारण भी है, दो चीज़ है। एक तो एब्यूज ऑफ टोबैको बढ़ रहा है, करते हैं। दूसरी चीज है साथ साथ बहुत से केमिकल्स हम लोग लेते हैं, सांस थोड़ा द्वारा खाने के थ्रू से केमिकल्स आता है। आपके पास इतना कॉन्टामिनेशन है, एजिंग कैंसर बोलते हैं हम लोग, जो ओल्ड एज कैंसर बढ़ रहा है। जिन लोग 60, 70, 80 में होता है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लंग कैंसर है, उसके साथ साथ बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो ये भी उसका कारण दिखाया गया है। एक कारण से कैंसर नहीं होता है, मल्टीपल कैंसर हम लोग बोलते हैं, मल्टी स्टेप मल्टी फैक्टर डिजीज बोलते हैं। एक नहीं होता है, एक चीज हो गया कैंसर, वही कारण है सब मिला के वो ये संबंधित भाव कैंसर ये बनता है कैंसर। जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर का कारण दिया गया, लेडीज़ लोग आजकल इकोनॉमिकली फ्री हो गया, शादी देर में करते हैं, बच्चा होता है कि एक या दो बच्चा होता है, दूध ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, फूड है भी जंक फूड खाते हैं, तो ये बहुत से फैक्टर है जो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहा है। होगा तो कैंसर उसके साथ साथ नॉन कैंसर ये डिजीज भी बढ़ रहा है, जैसे आपने हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, दीज आर ऑल ये अदर फैक्टर नॉन मेडिकल कंडीशंस में बढ़ रहा है। स्ट्रेस ह्यूमन लाइफ, आजकल यंग एज में बहुत स्ट्रेस होता है, अब देखिए हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। कैंसर को लेके जो अभी चल रही है, मैक्सिमम केसेस में जो हम देखते हैं वो डेथ ही होता उसका है। कारण मुख्यतः कारण है जानकारी में कमी। क्या कैंसर शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता ना, फीवर नहीं होता, हम लोग सबसे दो चीज़ का ध्यान देते हैं, मेरा बुखार तो नहीं है, मेरा दर्द तो नहीं होता है, लेकिन कैंसर में ये दोनों चीज़ लास्ट में आता है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इसके मरीजों की बढ़ती हुई संख्या से परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल IHME के अध्ययन से मिले आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों से पता चलता है बिहार में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक कैंसर के मरीज हो रहे हैं। दिल्ली एम्स में कैंसर का इलाज कराने के लिए पहुंचने वालों में से 20% मरीज बिहार से होते हैं। अब जरा कुछ और आंकड़े भी जान लीजिए। IHME के अध्ययन से मिले आंकड़ों के अनुसार देश में 13 से 14 लाख लोग प्रतिवर्ष हो रहे हैं कैंसर से पीड़ित। 2019 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ मरीजों की हुई मौत। 2010 की तुलना में 20.9% ज्यादा लोगों की हुई मौत।
2010 में 82.9 लाख लोगों की कैंसर से हुई थी मौत। बिहार में कैंसर ने बढ़ाई फिर चिंता। 2025 तक प्रतिवर्ष मिलेंगे 23 लाख से अधिक कैंसर के मरीज। 2020 में मिले थे 20 लाख से अधिक कैंसर मरीज। कैंसर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कई योजनाओं को लागू किया है। स्वास्थ्य विभाग के ओर से 2022-23 में भी कई योजनाओं को लागू किया गया है। खास बात यह है कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले साल राज्य के 14 जिले औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल और वैशाली में जागरूकता और स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। एक साल में कुल 1,53,512 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 262 कैंसर के मरीज मिले, जबकि 1,014 मरीज संदेह के घेरे में पाए गए। इसमें 46 की सर्जरी की गई, वहीं 9 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब भी कैंसर के लगभग 15,000 मरीज मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर्स बताते हैं कि देश में और खासकर बिहार में कैंसर की डायग्नोसिस काफी एडवांस अवस्था में होती है, क्योंकि लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका इलाज असंभव हो जाता है। हालांकि पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह का कहना है कि बिहार में स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कैंसर से संबंधित है, खास करके ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये प्रोग्राम अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों पर चलाया जाता है, हर PHC लेवल पर चलाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं। अब लिया जाए रूरल एरिया में, वहाँ पर आशाओं को सीबैक फॉर्म और फैमिली फोल्डर दिया गया है। वे घर घर जा कर के लोगों से बहुत सारी उसमें जो जानकारियाँ लेने के रहते हैं वो कॉलम्स वे भरती हैं, और उसमें जो कैंसर से सस्पेक्टेड केसेस रहते हैं उनको PHC पर लेकर के आती हैं। वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो उसको उस पर मरीज को देखते हैं और उस अनुसार उनको जो भी सलाह है, स्क्रीनिंग है, वो दिया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है वो हम बराबर करते रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी ये लोगों को जानकारी होगी कि इसका कारण जो भी है, ये बार बार हम लोग बताते रहते हैं। खान पीन से लेकर के अपनी आदत से लेकर के एनवायरमेंटल जो है उसको, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को बताया जाता है। अपना जो जीवन शैली है लोग को समझना होगा कि जिससे अच्छे, मतलब जो भी जीवन शैली बताया जाता है ये सब कार्यक्रम में, उसको फॉलो करना होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टोरियली होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बढ़ेगी कैंसर के मरीजों की संख्या। सवाल ये भी है कि सरकार कैंसर विरोधी जो योजनाएं चला रही है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है, और सवाल ये भी है कि बिहार में बढ़ती कैंसर के मरीजों की संख्या पर बिहार सरकार आगे क्या करेगी। DTV भारत के लिए पटना से ब्रजन मिश्रा की रिपोर्ट। तो DTV स्पेशल रिपोर्ट्स।